राजस्थान में कोचिंग व्यवसाय पर सरकारी निगरानी का बिल जल्द हो सकता है पेश, साबित हो सकता है शिक्षा सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। नमस्कार, मैं हूं अनुपम मनु, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। राजस्थान सरकार ने कोचिंग व्यवसाय से जुड़े कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2023 को तैयार कर लिया है, जिसे विधि विभाग ने बीते 13 जनवरी को मंजूरी दे दी, जिसके बाद इस बिल को लेकर के प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। प्रत्येक नए कोचिंग सेंटर को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। पुरानी कोचिंग सेंटर को भी बिल लागू होने के 3 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा घर में चल रही कोचिंग जिनमें 50 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हों, उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। कोचिंग सेंटर में कौन से कोर्स पढ़ाए जाएंगे, कितने टाइम में सिलेबस खत्म होगा और कितने बच्चों का बैच होगा, इन सब का ब्यौरा रजिस्ट्रेशन के दौरान देना होगा। कोर्सेज की फीस का विवरण भी प्रोस्पेक्टस में दर्ज कराना होगा। इसके अलावा इस नियम के अनुसार कोई भी सरकारी शिक्षक कोचिंग सेंटर नहीं चला पाएंगे। पालन नहीं करने पर पहली बार 25,000, दोबारा 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और तीसरी बार कोचिंग का रजिस्ट्रेशन तक रद्द किया जा सकता है। इस बिल को कैबिनेट में पास होने के बाद आने वाले बजट सत्र में पेश करने की योजना है। अगर ये बिल पास होता है तो राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स के लिए एक नियम के तौर पर लागू हो जाएगा। ऐसे ही रोचक वीडियोज के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।